वॉट इज़ व्लॉगिंग? काफ़ी टाइम से मैं बता रहा था कि आपको मैं एक वीडियो लाऊंगा कि व्लॉग क्या होता है। ठीक है, लोग उनको देखते हैं जो ऑलरेडी फेमस होते हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया। लोग इधर से फेमस हो ना तो वो यूट्यूब पे आ जाए, उनको ऑडियंस मिलती है क्योंकि उनको ऑलरेडी यहाँ पे देखने वाले होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनको वो ऐप प्रेफर करता है, फेमस करता है, वायरल करता है, जहाँ पे वो वीडियोस ऑलरेडी डाल रहे होते हैं। और लोग जब देखते हैं कि भाई हमारी यहाँ पे ऑडियंस बन गई है, हम कुछ भी कर लें, फजूल सी वीडियो बना लें, हमें देखने वाले आएंगे यूट्यूब के और प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यूट्यूब पे, तो उन्होंने वीडियोस बनानी और उनको व्यूज़ मिलते हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी ऐसे क्रिएटर्स देखे हैं जिनकी वीडियो देखने लायक भी नहीं होती, एडिटिंग नहीं होती, कंटेंट नहीं होता, लेकिन उनकी वीडियोस पे व्यूज़ होते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं। वो क्यों? उसकी वजह यही है क्योंकि उनके ऑडियंस किसी और जगह से आ रही होती है। और मैं वाहिद बंदा ऐसा हूँ जिसने 2018 से टिकटॉक पे वीडियोस डाली हैं, बट मुझे कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, फेम नहीं मिला, व्यूज़ नहीं मिले। हाँ, 2020 में जब कोरोना स्टार्ट हुआ उसके जून जुलाई में मेरी वीडियोज़ चंद वायरल हुई, टिकटॉक बैन हो गया 2 महीने के लिए। और मैं इस खौफ में मैंने वीडियोस नहीं डाली कि मेरा टिकटॉक अकाउंट ना बैन हो जाए, क्योंकि जब एक चीज़ बैन होती है तो वो उन चीज़ों को देखे हुए, वो सर्वर जो होता है देखते हुए, वो सस्पेंड कर देता है। इस वजह से मैंने वीडियोस डालना छोड़ दी 2 महीना। उसके बाद जब वीडियोस डालना शुरू की, टिकटॉक अनबैन हो गया, अकाउंट फ्रीज हो गया, मीन्स व्यूज़ नहीं आ रहे थे, फॉलोअर्स मेरे 2500-3000 गेन हुए थे उसके बाद। मतलब बस जो भी था, मैंने इस चीज़ को कभी नहीं सोचा कि अभी मैं फेमस नहीं हो रहा, क्या वजह है, क्यों है, कैसे है। उसके बाद जब भाई मैंने बाद में स्टार्ट किया एक और अकाउंट टिकटॉक का, वो साल पहले गेन किया मैंने, इस आईफोन को जब मैंने लिया इसके अंदर सिम डली हुई थी अमेरिका की, जिसकी वजह से रीजन हो गया चेंज। उस रीजन की वजह से ना मैं, सीधी सी बात है, मेरा अकाउंट फिर से वो व्यूज़ अलग हो गए, पाकिस्तानी व्यूज़ नहीं आ रहे थे, वीडियोज़ जो मतलब वायरल हो रही थी, ट्रेंडिंग साउंड था उस पर व्यूज़ आ रहे थे, वो ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर से एक और अकाउंट बनाया, अभी आजकल वो चला रहा हूँ, उसको मैंने नहीं छोड़ना। ठीक है, मैंने कोई ऐसा आईफोन नहीं लेना जिसमें ऑलरेडी अमेरिका की सिम लगी हो। अब जो सीन है भाई, अभी आज आपकी जो वीडियो मिल रही है उसमें आपको सारा कुछ बता रहा हूँ कि डेली लाइफ रूटीन ब्लॉगिंग होती क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। उनकी अपनी रूटीन है, उनका अपना तरीका है बताने का। औरों को देखते हैं वहाँ कुछ नहीं बोलते, जहाँ पे किसी के व्यूज़ कम हो, जहाँ के सब्सक्राइबर्स कम हो, वहाँ पे जाके लोग बहुत बोलते हैं। इग्नोर देम, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ एक काम के सिलसिले में, काम कुछ नहीं है, कोई चीज़ लेके जानी है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फहद मुश्ताक ऑफिशियल। और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके जाना, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब ये देख लो, मेरे पास बाइक नहीं थी। अब डेली लाइफ और जो ओरिजिनली है और जो रियलिटी है वो मैं बताऊंगा। अभी भाई आया बाइक लेके, हम इसके इंतज़ार में खड़ा था, मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, एक काम है जलंधर वाली साइड पे चल के वो करते हैं। और ये जो लाइफ है ना, ये मैं आपको बताता जा रहा हूँ, डेली लाइफ ब्लॉगिंग होती क्या है। ठीक है, अब वही करने जा रहा हूँ, चलो चलते हैं। एक हाथ का टैलेंट देखोगे बाबू भैया, देखना अभी। अल्लाह फेज, अभी मैं हूँ जलंधर में, मुझे कुछ भी लेना है मैंने वो वीडियो में दिखाना है। चलो चलते हैं। फ्रूट केस फोटो दे दो, दिखाओ मुझे है कितने का। ये कितने का? 190 के। 190 दे दो, 200 रुपये करना। मैं छोटा फूट के हमने फ्रूट केक ले लिया, अभी देनी एक सब्जी। कि डेली लाइफ रूटीन जो है ना, वो आपको ऐसे ही होगा, जो 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 चीज़ मैं लूँगा, देखूँगा, जो भी चीज़ होगी वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया, चाहे वो वीडियो 10 मिनट की बने, 50 मिनट की बने या 2 मिनट की बने। तो अभी चल के मैंने वो लेनी है सब्ज़ी, देखते हैं, पता करते हैं कैसी है कैसी नहीं। सलाम अलैकुम, आलू कितने किलो है और टमाटर? यार एक ऐसे करो, 1 किलो आलू दे दो, ठीक है, और 1 किलो टमाटर। बाकी बात ऐसी है, जो छोटी छोटी क्लिप्स होती है ना, इन्हीं से ही ब्लॉग्स बड़ा बनता है। ऐसे नहीं होता कि बैठे बैठे कुछ भी बन जाए। अभी ये क्लिप्स बना रहा हूँ ना, आप लोग कह रहे हैं कोई सब्जी लेना तो वीडियो बना रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो भी हो रहा है मेरी जिंदगी में, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर आपसे छुपाना हो तो ब्लॉग मैं किस पे बनाता हूँ? ब्लॉग का मकसद यही है कि छोटी छोटी क्लिप्स, जितनी भी मैं अपने दिन में बनाता हूँ, अभी तो मैं बनाता ही नहीं हूँ, छोटी सी क्लिप्स बनाता हूँ, 3-4-5 मिनट का ब्लॉग्स बना लेता हूँ। मैं तो बनाने के लिए 20 मिनट का भी बना लूँ। मेरी लाइफ में जो चल रहा है वो आपके सामने साबित कर सकता हूँ कि ये चीज़ है।
बट देखो ऐसे ही ब्लॉग बनता है। फहद मुश्ताक ऑफिशियल, फहद मुश्ताक ऑफिशियल, ठीक है शुक्रिया। चलो अभी चलें घर के। हेलो बेबी हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ थोड़ा सा इधर आ जाओ, कैसे हो, हाथ मिलाओ, अरे शरारती, चलो चले अंदर, चलो 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 चलो। अभी इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो, अभी जहाँ गया था सब्जी ले रहा था, वो बंदे भी देख रहे थे ना कि मैं वीडियो बना रहा था, कहते भाई आप ब्लॉगर हो, मैंने कहा हाँ, कहते आप अपने चैनल का नाम बताओ हम भी आपको देखेंगे। सो इस चीज़ से भी मोटिवेशन होती है कि चंद लोग आपकी जब मेहनत देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अच्छा कर रहे हो, उन्होंने उसको मैंने कहा कि लोग ब्लॉगिंग का मतलब नहीं समझते, इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। कहता छोड़ो लोगों को, अगर लोगों की सुनोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। ये चीज़ देखो कुछ लोग मोटिवेट भी बहुत करते हैं इन चीज़ों से। सो चलो अभी हम चाय शाय पीते हैं, फिर जाना है आलियान के पास, उसकी भी रीज़न है, वो आप वीडियो में देखो। चलो अभी आप, मैं जा रहा हूँ आलियान के पास, कॉल कर चुका हूँ उसको, घर ही बैठा है, चल के उसको हम फिर पिक करते हैं, एक काम करने जाना है, काम भी बता दूंगा, फ़ायदा नहीं है ना, पूरी वीडियो देखा करो, सस्पेंस होना चाहिए वीडियो में। चलो अभी आलियान को पिक कर चुका हूँ, ये देख लो इसका गंदा चेहरा, जो कि आपको नहीं अच्छा लगता मुझे पता है, बात तो सही है। अभी हम जा रहे हैं मेरे बाल कटाने, ठीक है, टाउन से कटाता हूँ हमेशा, एक इसका दोस्त है कहता कि वहाँ से चल के हम बाल कटाते हैं, देखते हैं कि पसंद आते हैं नहीं आते, ट्राई करते हैं कि भाई हमें इंटरेस्ट होता है कि इसे बाल कटाएं दोबारा या नहीं। इसकी फरमाइश पे आज इस हेयर सलून वालों को ट्राई करते हैं, देखते हैं हमें सेटिस्फाइड हमारे बालों को करता है सही तरीके से या नहीं, क्योंकि गंदी हालत हुई हुई अभी, फिर भी ये मैंने हाथ हाथ मारा, ये देखो ना ये नोकीले से हो जाते हैं, कान से हट जाते हैं, इस वजह से फिर छोटे बाल ही अच्छे लगते हैं। चलो भाई बालों की हुलिया हमने ठीक करा लिया, अच्छा करा लिया, अभी आलियान को छोड़ता हूँ घर, अभी जाना फिर मार्केट, पहले वो वाला काम भुगताते हैं, वो भी चल के देख लो। आप कहते हो ना ब्लॉग नहीं बनाते, बड़ा नहीं बनाते, छोटी से ऐसे एक्टिविटी दिखा के आप कहते ब्लॉग, पूरा ब्लॉग फिर आप देखो। चलो अभी चलते हैं फिर मार्केट की तरफ। वाह वाह इसी, वो भी नया भाई, तरक्या मान भाई क्या हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे नहीं पहले तो अपने अपना अमानत पकड़ो, तब से जेल में भर जा रहा भाई यार, ये इतनी तारीफ, अमानत पकड़ो भाई। चलो भाई मान भाई ने हमारे लिए इंतज़ाम किया है, हमारे लिए खिदमत की है, सो चलो हम इसको खाते हैं और मेहरबानी करो चाय का ऑर्डर दो। चाय यार ये भाई चाय। हाँ चलो भाई, चाय पीने का प्लान था लेकिन चाय वाली शॉप हो चुकी है बंद, अभी जाते हैं घर, इस वीडियो का इख्तिताम कर जल्दी करते हैं। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली घर आ चुका हूँ, इस वीडियो का इसी के साथ करते हैं दी एंड, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा डेली व्लॉग में होता क्या। सो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके जाना, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।